मेरे द्वारा पहले भी मुख्यालय स्तर से भी जो एक निर्देश प्राप्त हुआ था हर्ष फायरिंग से संबंधित, तो जिला पुलिस अधीक्षक भोजपुर के द्वारा भी एक ये आदेश निकाला गया था और सभी थाना को और मीडिया के माध्यम से सभी आमजनों को भी संबोधित किया गया था कि जल्द से जल्द सभी लोग जो है आगामी पर्व त्यौहार को देखते हुए जो अभी आम सत्यापन किया जा रहा है जिसमें कई शिकायत मिली थी कि कई फर्जी लाइसेंस हैं या तो कई लाइसेंस जिसके पास है दूसरा कोई यूज़ करता है, तो उसको देखते हुए जो मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुआ था, तो लगातार जो है हम लोग जो है इसमें आम सत्यापन कर रहे हैं और लगभग 5,500 के आसपास जो हमारे यहाँ वैध हथियारों का लाइसेंस है भोजपुर में, उसमें से लगभग 4,500 के आसपास जो है सत्यापन हम लोग कर लिए हैं और उसमें लगभग 90 के आसपास जो है हथियारों को हम लोग जमा भी करा रहे हैं, उनका कैंसिलेशन के लिए भी प्रस्ताव भेज रहे हैं जिनमें कोई जो है दिक्कत पाई गई है या जो भी आर्म्स लाइसेंस के जो रूल्स हैं उसका अगर कोई वायलेट किया गया है तो उसका हम लोग जो कैंसिलेशन के लिए भेज रहे हैं। और इसके साथ मैं पुनः सभी भोजपुर वासियों से जिनके पास भी वैध हथियार का लाइसेंस है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग अपने हथियार का सत्यापन करा लें, क्योंकि अंतिम तिथि 25 जुलाई से पहले हम लोग निर्धारित किए हैं कि 25 जुलाई से पहले जो भी अपने हथियार का सत्यापन करा लेंगे तो उचित रहेगा। अगर जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे तो ये माना जाएगा कि उनके पास हथियार का खुद हथियार नहीं है या वैध लाइसेंस का जो किसी दूसरे को दिए हैं या अन्य प्रकार से आर्म्स लाइसेंस का वायलेट कर रहे हैं तो उनके कैंसिलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इसके लिए आज मैंने कई थाना अध्यक्षों को निर्देशित भी किया है कि एक बार अपनी गश्ती या किसी अन्य वाहन के माध्यम से अपने पदाधिकारियों से सभी अपने जो गलियां हैं अपने जो गांव हैं वहां पर एक अनाउंसमेंट कर दें कि अंतिम तिथि 25 जुलाई है, सभी लोग आर्म्स का सत्यापन कर लें और जो सत्यापन नहीं करेंगे उनका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो है एक और निर्देश जारी हुआ था जो मुख्यालय से जो है हर्ष फायरिंग से संबंधित जारी हुआ था, तो हर्ष फायरिंग में एक निर्देश आया हुआ है कि सभी जो हॉल हैं जैसे विवाह भवन है, लॉन है या अन्य कोई जो है सार्वजनिक रूप से जो कोई कार्यक्रम स्थल है जहां पर आयोजित किए जाते हैं कमर्शियल प्लेस वगैरह हैं तो सभी को निर्देशित किया गया है और थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है जल्द उनके साथ मीटिंग कर लें। तो मैं सभी जो भी ऐसे मालिक हैं जो आयोजक हैं आयोजन स्थल जिनके पास है और जो विवाह या बर्थडे पार्टी या अन्य प्रकार से आयोजन करवाते हैं जहाँ पे, तो उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने संबंधित थाना से जो है एक नोटिस है उसको प्राप्त कर लें जिसमें जो भी आयोजक हैं उनके लिए एक तरीके से जो है एफिडेविट प्रकार का है कि वे ये घोषित करेंगे कि उनका जो आयोजन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार से हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कोई हर्ष फायरिंग करने की वहाँ कोशिश करता है या दिखता है या अगर वो घटना होती है तो त्वरित रूप से पुलिस को सूचित करेंगे, अन्यथा वे भी इसमें संलिप्त माने जाएंगे और उनके खिलाफ भी जो है संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अतः पुनः सभी जो भी यहाँ पर ऐसे आयोजन स्थल के मालिक हैं उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने थाना से नोटिस प्राप्त कर लें और अपने थानाध्यक्ष से जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है प्राप्त करके उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। सर 25 जुलाई से मतलब उसके बाद यदि कोई जाता है तो जुलाई कुछ होगा कि नहीं? सर नहीं, अभी इस वाले हर फायरिंग वाला जो नोटिस है उसको जल्द से जल्द बोला गया है, उसकी एक सीमा इसी माह निर्धारित की गई है, उसके बाद अगर कहीं हर फायरिंग की घटना किसी आयोजन स्थल पर होती है तो ये माना जाएगा आयोजक जो आयोजक है और उसके आयोजन स्थल का जो मालिक है या जो हर्ष फायरिंग किया है तो सभी की संलिप्तता मानी जाएगी कि सभी लोगों ने मिलीभगत करके जो है हर्ष फायरिंग घटना को अंजाम दिया है तो सभी के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सभी लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और हर्ष फायरिंग की घटनाओं से बचें।